अगर यह बात सीख ली तो लोग तरसेंगे आपको पाने के लिए। मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी अनमोल बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसे अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हमारी पहचान, हमारी अहमियत और हमारे व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ जाएगी कि लोग हमारी उपस्थिति के लिए तरसेंगे। यह बात न केवल हमें खास बनाएगी, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी एक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। हर कोई चाहता है कि वह दूसरों की नजरों में खास बने, सब उसकी तारीफ करें और उसकी मौजूदगी की कदर करें। लेकिन यह सब केवल तभी संभव है जब हम एक ऐसी खासियत को विकसित करें जो हमें सबसे अलग और खास बना दे। तो वह बात क्या है? दूसरों को समझने और उन्हें महसूस कराने की कला। पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है दूसरों को सुनने और समझने की कला। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग सुनने से ज्यादा बोलने में रुचि रखते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनके विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो आप उनकी जिंदगी में खास जगह बना लेते हैं। यह एक दुर्लभ गुण है और अगर आपने इसे सीख लिया तो लोग आपकी इस खासियत के लिए तरसेंगे। सकारात्मकता फैलाने की शक्ति। दुनिया में नकारात्मकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बातचीत, अपने विचारों और अपने कार्यों के माध्यम से सकारात्मकता फैलाते हैं, तो आप एक ऐसा प्रकाश बन जाते हैं जिसकी ओर हर कोई आकर्षित होता है। सकारात्मकता सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके आसपास के माहौल को बदल सकती है। सहानुभूति और दया। हर कोई चाहता है कि उसकी समस्याओं को कोई समझे, उसका दर्द महसूस करे। अगर आप सहानुभूति और दया का व्यवहार अपनाते हैं तो लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। यह गुण आपको न केवल इंसानियत का सच्चा उदाहरण बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी गहराई और मजबूती देता है। स्वयं में सुधार की आदत। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें यह महसूस करा सकते हैं कि जीवन में हर दिन नया अवसर है, तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। सच्चाई और ईमानदारी का पालन। आज के समय में सच्चाई और ईमानदारी दुर्लभ हो गई है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं तो आप अपने आप ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भरोसेमंद बनता है और उसकी उपस्थिति लोगों को सुकून देती है। सेवा भाव और मदद करने का स्वभाव। एक पुरानी कहावत है, सेवा धर्म महान धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो लोग आपकी ओर खींचते हैं। मदद करने वाले व्यक्ति का दिल बड़ा होता है और ऐसे लोग अपने कार्यों से दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। अनुशासन और समय की कदर। जो व्यक्ति अनुशासन और समय की अहमियत को समझता है, वह दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। समय की कदर करना और हर काम को सही समय पर करना आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपको दूसरों की नजरों में खास बनाता है। आशावादी दृष्टिकोण। जो व्यक्ति हर स्थिति में आशा का दीपक जलाए रखता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। आशावाद एक ऐसी विशेषता है जो न केवल आपको कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। दूसरों को महत्व देना। यह दुनिया मुझे क्या मिला की सोच से भरी हुई है, लेकिन अगर आप दूसरों को क्या दे सकता हूँ की सोच अपनाते हैं, तो आप एक अलग पहचान बना लेते हैं। यह सोच आपको दूसरों की नजरों में अमूल्य बना देती है। विनम्रता और आभार व्यक्त करना।
विनम्रता और आभार का भाव आपके व्यक्तित्व को और अधिक खूबसूरत बना देता है। जब आप दूसरों को उनकी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी मदद की सराहना करते हैं, तो आप उनके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। इन सभी गुणों को सीखना और अपनाना आसान नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो यकीन मानिए लोग आपकी मौजूदगी के लिए तरसेंगे। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जीने लगते हैं, जब आप अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाते हैं, तो आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां लोग आपको पाना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपकी पहचान आपके गुणों से बनती है, तो आइए इस सफर की शुरुआत आज ही करें। अपने जीवन में उन गुणों को आत्मसात करें जो न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे बल्कि आपकी अहमियत को भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।